हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेम नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज मैं ट्रेड थ्योरी से नेक्स्ट चैप्टर जो कहा था, अगला चैप्टर जो आपका आता है वो है मार्किंग एवं मार्किंग टूल्स। तो आपको मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में पढ़ना है और इस टॉपिक पे आते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय ये ध्यान रखें ये कि बगल में जो आपका बेल आइकन होता है उस बेल आइकन को प्रेस करें और जो नोटिफिकेशन में ऑल कर ले ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे जो हम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में हमको जानना है कि मार्किंग क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, कोई भी जिस प्रकार से अगर कोई भवन का निर्माण करना हो या कोई प्लॉट पे आपको नक्शा बनाना हो तो ये सब जो हम भवन का निर्माण करते हैं या कोई प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं तो वो हम नक्शे के अनुसार हमको वहां पे मार्किंग करना होता है, जिसको हम लेआउट कहते हैं। तो हम लेआउट कर लेते हैं, लेआउट जो है जैसा आपको ब्लूप्रिंट मिलता है उसके अनुसार आपको लेआउट करना होता है। तो यही है कि मार्किंग क्या है। तो किसी भी जॉब का वर्कशॉप में बता रहे हैं कि किसी भी जॉब का निर्माण करने से पहले आपको उस जॉब को बनाने के लिए सबसे पहले उस पर मार्किंग करनी होगी। मार्किंग करने के बाद ही आप जो है जॉब का निर्माण कर सकते हैं। मार्किंग करने के लिए आपको ब्लूप्रिंट की सहायता होगी, उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, तभी आप मार्किंग कर सकते हैं। अब दूसरा जो हमारा आता है पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है कि मार्किंग प्रिकॉशंस। अब है कि मार्किंग करते समय हम क्या सावधानी बरतेंगे ये हमको ध्यान में रखनी है। तो मार्किंग करते समय फ्रेंड्स हमको ये सावधानी बरतनी है कि सबसे पहले जो हमारा ब्लूप्रिंट मिला है उसको हम अच्छे से पढ़ें, बार बार उसको पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस कर लें, उसके जो डायमेंशन दिए गए हैं वहां पे उस डायमेंशन को भी देख लें। क्योंकि अगर हमारी थोड़ी सी भी डायमेंशन में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ त्रुटि होती है, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो खराब होगा और जो भी जॉब का हम निर्माण करेंगे वो जॉब मेरा वेस्ट में जाएगा। तो जो वेस्ट जाएगा वो डैमेज भी आप ही पर आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्किंग करते समय हम ब्लूप्रिंट का अवलोकन अच्छा से कर लें, तभी हम मार्किंग करें। दूसरा यह है कि जॉब पर मार्किंग करने से पहले जो भी आपको तेल ग्रीस जो भी लगा हो मोबिल उसको आप अच्छा से क्लीन कर लें, उसके बाद ही जो है मार्किंग करें। नेक्स्ट है हमारा कि मेथड्स ऑफ मार्किंग, मार्किंग की जो है कितनी विधियां हैं। तो देखिए, मार्किंग की कितनी विधियां हैं, इसके पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया, इसके बारे में बता देता हूं तब मैं आपके ये मेथड्स ऑफ मार्किंग पे आऊंगा। अब है टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। मान लीजिए कि हमको जॉब भी मेरे पास है, मेरे पास मार्किंग करने के ब्लूप्रिंट भी है जिसके सहायता से हमको मार्किंग करना है, मेरे पास ब्लूप्रिंट भी है। अब है कि हम मार्किंग करने के लिए कौन सा मीडिया अपनाएंगे, मार्किंग हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्किंग करने के लिए आपको चार तरह के मीडिया जो है उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो आप देखते हैं चौक खल्ली जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से जैसे कास्ट आयरन या माइल स्टील पर अगर हमको मार्किंग करनी है तो चौक खल्ली से हम मार्किंग कर लेते हैं। दूसरा मार्किंग मीडिया के रूप में जो यूज होता है उसको हम कहते हैं ब्लू विट्राइल। ब्लू विट्राइल मतलब इसको हम नीला जो है थोथा के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखिएगा कि एल्कोहल में कुछ जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिले होते हैं, गंधकीय अम्ल जिसको कहते हैं, वो कुछ बूंदे इसमें मिली होती है और इसके माध्यम से इसका जो सॉल्यूशन घोल बनता है उसको हम जॉब के ऊपर जो है लगा करके, इसका फायदा ये होता है कि
उस पर जो सॉल्यूशन है वो बहुत जल्दी सूखता है और मार्किंग करने में हमें आसानी होती है। तीसरा जो मार्किंग मीडिया के रूप में उपयोग होती है वो है हमारा ये व्हाइट बोर्ड चॉक। वो देखिएगा कि ब्लैक बोर्ड चॉक का उपयोग होता है, उसमें कुछ बूंदे जो है एल्कोहल और पानी का मिला करके हम लोग एक लेप घोल तैयार करते हैं, उस लेप को हम चॉक के ऊपर लगा करके उसके बाद जो है मार्किंग करने का काम करते हैं। उसके बाद चौथा जो आपका उपयोग में आता है वो वर्मिलियन, जिसको हम सिंदूर के नाम से जानते हैं, तो सिंदूर का भी उपयोग करते हैं, उसमें कुछ बूंदे एल्कोहल का मिलाया भी जाता है, ठीक है। जैसे कास्ट आयरन के ऊपर भी जो है सिंदूर के माध्यम से हम लोग उस पर एक लेयर तैयार करते हैं और फिर स्क्राइबर के माध्यम से मार्किंग करते हैं। तो देखिए मार्किंग मीडिया के रूप में इन सब का उपयोग होता है। जनरली आप वर्कशॉप में देखे होंगे कि आप लोग जो है जो जॉब बनाते हैं उस पर पानी और चॉक का आप जो है लेप तैयार करते हैं, उस लेप को आप जॉब पर जो है लगा करके उसको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद जो है आप मार्किंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है प्रिकॉशंस रखा जाता है, जैसे कुछ कॉस्टली जॉब होते हैं जिन पर रस्ट लगने की जो है जंग लगने की संभावना होती है, वहां पे हम लोग चॉक और वाटर वाला लेप नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि जंग लग सकती है। तो इसलिए जंग से बचाने के लिए हम लोग वो ब्लू विट्राइल, जिसको हम लोग नीला थोथा कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, या फिर वर्मिलियन का करते हैं, या फिर जो है आपको और भी दूसरे मीडिया आते हैं उसका हम उपयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स आती है अगला मेथड्स ऑफ मार्किंग। अब मार्किंग की कितनी विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए, इसलिए कि मार्किंग करते समय आपको ये आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो कैसे हम करेंगे। तो देखिए मार्किंग की तीन विधियां हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला देखिए डेटम लाइन मेथड है, दूसरा है सेंटर लाइन मेथड, और तीसरा है मार्किंग बाय टेम्पलेट, ठीक है। तो तीन तो जो है आपका विधि बताया गया है। अब डेटम लाइन मेथड का हम अप्लाई कहां पे करेंगे, तो फ्रेंड्स जब देखिए कि आपके जॉब का दो एजेस, दो किनारा आपका जो है दो टो किनारा उसका अगर 90 डिग्री में हो, लगभग 90 डिग्री में बना हो, दो एजेस आपका उसका तैयार हो, तो वहां पे हम डेटम लाइन मेथड का उपयोग कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये और ये एज हमारा करीब करीब जो है 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे कि जेनी कैलिपर से मार्किंग हम कर लेंगे दो एज की सहायता से। तीसरा है कि अगर मान ले मेरे पास ऐसा जॉब आ गया जो एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसका कोई भी एज आपको 90 डिग्री में नहीं है, जो आप अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि मार्किंग करने के लिए आप हम लोग सेंटर लाइन मेथड का उपयोग करते हैं। हम अंदाज से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं और खींच लेने के बाद तब हम जो है मार्किंग करते जाते हैं। तो इससे क्या होती है कि हमको एज का कोई जो है ये नहीं होता है, हम लोग मेजरमेंट लेते हुए लेफ्ट साइड दोनों साइड से हम लेते हुए हम मार्किंग करने का काम पूरा कर लेते हैं। तीसरा जो विधि हम लोग अपनाते हैं वो है मार्किंग बाय टेम्पलेट। आजकल देखिए जहां मास प्रोडक्शन होता है, बहुत अधिक मात्रा में जॉब का निर्माण करना होता है, वहां पे हम लोग जो है मार्किंग करने के लिए टेम्पलेट का उपयोग करते हैं। इससे हम लोग की समय की बचत होती है, इसीलिए हम लोग टेम्पलेट के माध्यम से जो है मार्किंग करने का काम करते हैं। तो मार्किंग टेम्पलेट क्या होता है, तो ये जो है माइल स्टील का पतली जो है सीट की पत्ती जो है काट करके जैसा जॉब है उसके अनुसार हम लोग बना लेते हैं, और फिर जॉब पर रख करके हम लोग मार्किंग जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि हमको समय की बचत हो। तो फ्रेंड्स आज आपको मैंने बताया मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स में कि मार्किंग क्या है, इसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने बताया कि मार्किंग प्रिकॉशंस, मार्किंग करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी होगी और कैसे हम मार्किंग करेंगे। तीसरा है कि टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया, मार्किंग करने के लिए जो हम कौन सा माध्यम अपनाएंगे। तो मार्किंग मीडिया के बारे में हमने आपको बताया, ये जो हम ब्लैक बोर्ड चॉक लेते हैं, उसके बाद जो है ब्लू विट्राइल का उपयोग करते हैं, फिर वर्मिलियन सिंदूर का करते हैं, उसके बाद आपको जो है ये जो हम लोग चॉक यूज करते हैं उसका करते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मेथड्स ऑफ मार्किंग के बारे में, तीन तरह का जो है मेथड है मार्किंग करने के लिए, जैसा आपका जो हो उसके अनुसार आप मार्किंग करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।